नमस्कार। पंजाब में इन दिनों नशा एक बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। जून के महीने में ही 2 दर्जन से ज्यादा नौजवान अपनी जान खो चुके हैं। सरकार ने काफी सख्त कदम उठाए हैं इसके लिए, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपनी समस्या को समझते हुए काउंसलिंग के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास और अपना ट्रीटमेंट लेते हैं, और वो इस समस्या से बाहर निकल जाते हैं और वो एक अच्छी हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो किस तरह से आप डॉक्टर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और किस तरह डॉक्टर आपकी मदद करते हैं, इसी के बारे में आज हमें बताएंगे पिम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर हिमांशु सरीन जो साइकेट्रिस्ट हैं, और डॉक्टर निधि भनोट जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है आप दोनों का। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे रहेगा, आपके पास जो लोग आते हैं ट्रीटमेंट के लिए वो किस तरह के बैकग्राउंड से आते हैं, इकोनॉमिकल और एजुकेशन बैकग्राउंड कैसी होती है उन लोगों की? हमारे पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो गरीब से गरीब तबके से लेके अमीर से अमीर तबके के पेशेंट्स आ रहे हैं, जी। क्योंकि हम मेडिकल कॉलेज या सिटी के बीच में है, इसलिए हमारे पास अर्बन पेशेंट और रूरल पेशेंट दोनों कैटेगरी के पेशेंट्स आ रहे हैं, चाहे वो एजुकेटेड है चाहे वो अनएजुकेटेड। डॉक्टर निधि जी, आप बताइएगा, जैसे ये बता रहे हैं कि अर्बन से भी आ रहे हैं, रूरल से भी आ रहे हैं, तो जो अर्बन से आ रहे हैं वो लोग तकरीबन एजुकेटेड लोग होते हैं, तो आप उनकी काउंसलिंग करती हैं, तो काउंसलिंग किन की करना आपको लगता है कि आसान होता है, जो अनएजुकेटेड पर्सन है जो गांव से है या जो बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं उनकी काउंसलिंग करना आसान होता है? अनएजुकेटेड की, अनएजुकेटेड की, क्योंकि वो लोग जल्दी समझते हैं बात को और वो लोग विश्वास करते हैं डॉक्टर पे। ओके। और जो एजुकेटेड होते हैं वो थोड़ा सोचते हैं कि ये लोग जो कह रहे हैं वो शायद नहीं हो पाएगा, टेक्निक्स जो बताई जाती हैं वो नहीं हो पाएंगी, तो वो इतना अच्छे से नहीं कर पाते हैं। अनएजुकेटेड ज़्यादा अच्छे से करते हैं। आपका कहने का मतलब ये है कि एजुकेटेड लोग जो है उनको पहले से भी पता है कि वो जो ड्रग्स ले रहे हैं उसके क्या साइड इफेक्ट्स होंगे, उसकी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है, उसके बावजूद भी उनको समझाना मुश्किल है और अनएजुकेटेड को समझाना ज़्यादा आसान है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, आपके पास क्लिनिक में जो लोग आते हैं उनका क्या रेशियो रहता है जनरली अनएजुकेटेड और एजुकेटेड में? मैम, ऐसा है कि हमने कुछ एग्जैक्ट फिगर्स नहीं निकाली हैं, लेकिन जहाँ तक हम रफ आइडिया लें तो हमें लगेगा कि पेशेंट्स ऑलमोस्ट 40-50% पेशेंट्स ऐसे होंगे जो जिनका एजुकेशन लेवल 10th अराउंड, एंड 50% वो होंगे जो कि 10th से ऊपर होंगे, ग्रेजुएट लेवल एंड समटाइम्स इवन बियॉन्ड। तो पढ़े लिखे लोग भी ड्रग्स ले रहे हैं जबकि उनको पता है कि इससे क्या हमें नुकसान हो सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जब लोग आपके पास अप्रोच करते हैं तो क्या फैमिली उनको यहाँ लेके आती है या खुद से वो आपके पास ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं? दोनों कैटेगरी के पेशेंट्स आते हैं। हमारे पास वैसे पेशेंट्स भी आ रहे हैं जिनको, क्योंकि अब सप्लाई शॉर्ट में है, उनको विड्रॉल सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या फैमिली ने बोलना शुरू कर दिया कि अगर आप अब छोड़ोगे नहीं तो फिर प्रॉब्लम आने वाली है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम आ रही है या ऑक्यूपेशन में प्रॉब्लम आ रही है, फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, तो बहुत बार पेशेंट्स खुद भी आते हैं। हाँ, अबाउट 50% ऑफ द टाइम उनको फैमिली मेम्बर्स भी साथ में लेके आते हैं, एज ए सपोर्ट भी आते हैं कि हमारे पेशेंट को या हमारे बच्चे को प्रॉब्लम है, आप प्लीज इनको डिडिक्शन करिए। तो डॉक्टर साहब, जैसे आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, आप पेशेंट की भी काउंसलिंग करते हैं, आप उनकी फैमिली की भी काउंसलिंग करते हैं, तो आप प्लीज बताइएगा कि आप किस तरीके से उन्हें कन्विंस करते हैं कि वो नशा छोड़ जाए? से हम लोग जो यहाँ पे करते हैं इंडिविजुअल काउंसलिंग और ग्रुप काउंसलिंग करते हैं। ग्रुप काउंसलिंग में फैमिली मेम्बर्स भी बैठते हैं उनके साथ में, तो जैसे फैमिली स्ट्रेसेस हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेसेस हैं, साइको एजुकेशन रिलेटेड टू ड्रग्स, वो सब हम उन्हें एक्सप्लेन करते हैं काउंसलिंग में। ओके। तो एक एक चीज़, मतलब जो जो नुकसान कर रहे हैं उन्हें, ये सारी चीज़ें सब एक्सप्लेन करते हैं। और फैमिली को भी बताया जाता है कि कोप अप कैसे करना है, पेशेंट अगर विड्रॉल सिम्टम्स हैं या पेशेंट इरिटेबल है उसको कैसे हैंडल करना है, वो सब तरीके उनको फैमिली काउंसलिंग में हम लोग बताते हैं। तो फैमिलीज कितना कुछ सपोर्ट करती है अपने जो उनका रिश्तेदार है या उनका फैमिली मेम्बर है उसको इसमें से बाहर निकालने में कितना सहयोग करती है? नहीं, सपोर्ट तो करती है, बट कहीं ना कहीं फैमिली मेम्बर्स को डाउट तो रहता है उन पे कि ये लोग दोबारा नशाना करने लग जाए, तो इसलिए वो 24 घंटे उन पे नज़र रखते हैं। मोस्टली हमने ये देखा है कि जितनी बार रिलैप्स रेट बढ़ता है, जितनी बार पेशेंट हमारे पास दोबारा बार बार आते हैं, फैमिली सपोर्ट भी कम होती जाती है, बिकॉज फैमिली मेम्बर्स भी आफ्टर ऑल कितने परसेंट है पेशेंट जो एक बार ही नशा छोड़ते हैं दोबारा उसमें एंटर नहीं करते हैं? मैम, ऐसा है वर्ल्ड ओवर, अगर हम चाहे यूएस की बात कर लें, कनाडा की बात कर लें या किसी और कंट्री की बात कर लें, वर्ल्ड ओवर जो स्टैटिस्टिक्स आते हैं वो ये बताते हैं कि तकरीबन
20 से 30% पेशेंट्स ऐसे हैं जो नशा छोड़ देते हैं, बाकी 70 से 80% पेशेंट्स हैं जो ये रिलैप्स के रेट में वापस जाएंगे। इसके पीछे बहुत से फैक्टर्स हैं। जब भी इंसान नशा करना शुरू करता है उसकी बॉडी की पूरी बायोलॉजी चेंज हो जाती है, जो सारा ध्यान है वो नेक्स्ट किक की तरफ जाता है कि मैं अगला नशा कब करूँगा। तो इसलिए जो हमें माइंड बॉडी एंड फैमिली और पूरी सोसाइटी वो सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं, और इसीलिए रिलैप्स रेट जो है वो इतना हाई है। डॉक्टर निधि, किस तरह के पेशेंट्स हैं, किस बैकग्राउंड के पेशेंट्स हैं जो आपको 100% कोऑपरेट करते हैं ताकि वो नशे की गंदी आदत को छोड़ सकें? रूरल, एजुकेटेड, अर्बन, हाईली एजुकेटेड, किस तरीके के लोग? रूरल पेशेंट। रूरल, हाँ। जब वो छोड़ते हैं तो अगर जैसे उन्होंने छोड़ दिया तो उसके बाद वो कोशिश करते हैं कि 10 पेशेंट और लेके आए अपने साथ। वो 100% फॉलो करते हैं, जैसे उन्हें जिस दिन बुलाया जाए उस दिन आने की पूरी पूरी कोशिश होती है। अगर ना आए तो फोन करके इन्फॉर्म करते हैं कि हम लोग नहीं आ पाएंगे आज। तो अर्बन पेशेंट इतना कोऑपरेट नहीं करते, इसके पीछे कोई खास कारण? मे बी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो जाए और उन्हें इतना सोसाइटी से लेना देना नहीं है कि हम किसी और को भी हेल्प करें इस चीज़ में। तो ये जो रूरल बैकग्राउंड के लोग हैं इनका रेशो भी ज्यादा होगा जिन्होंने नशा छोड़ दिया है, बहुत ज्यादा। और मैम एक और फैक्टर हम बहुत इंपॉर्टेंट देखते हैं, जिनका मोटिवेशन लेवल स्ट्रांग है। जैसे सपोज किसी की मैरिज होने वाली है तो वो पेशेंट अगर आता है हमारे पास तो मोटिवेशन लेवल स्ट्रांग है तो उसका छोड़ने का चांस अच्छा रहता है। या जिन्होंने बाहर जाना है तो क्योंकि उनके पास लिमिटेड टाइम होता है और वो बाहर जाने के लिए मोटिवेटेड है तो इसलिए वो नशा छोड़ने के लिए भी मोटिवेटेड होते हैं कि हम नशा छोड़े और हम बाहर को निकल जाए। तो ये जो दो कैटेगरी ऑफ पेशेंट्स है ये इनका मोटिवेशन लेवल अच्छा होता है और ये अच्छे फॉलोअप में हमारे पास आते हैं। तो डॉक्टर साहब, ये जो नशा करते हैं आजकल तो बड़े तरीके का नशा हो गया, तो नॉर्मली जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो किस तरीके का नशा करते हैं? हमारे पास ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं जो रूटीन में पेशेंट्स आ रहे हैं वो तो अल्कोहल के, टोबैको के, और अगर हम ओपिएट्स की बात करें, ओपिएट्स एक ब्रॉड कैटेगरी होती है जिसमें आता है पॉपी हस्क या जिसको हम डोडे बोलते हैं वो वाले, या ओपीएम कंज्यूम करते हैं, या सिंथेटिक ड्रग्स जैसे कि हेरोइन कंज्यूम करते हैं। तो जो हेरोइन, अभी हेरोइन के साथ साथ फेंटालिन और कई और दूसरी चीजें भी आ रही है, कॉकटेल बना लेते हैं बिकॉज डोज आजकल कम मिल रही है, रिस्ट्रिक्शन बढ़ गई हैं, पुलिस एक्शन बढ़ गया है तो उनको डोज कम मिल रही है तो वो सेम किक लेने के लिए फिर उसमें वो कॉकटेल बनाना शुरू कर देते हैं। कभी कोई नींद की दवाई मिक्स करेंगे या कोई एनर्जी वाली मेडिसिन मिक्स करेंगे तो वो मिक्स करके कॉकटेल बना के लेते हैं, और कभी इसीलिए उनका ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है बिकॉज कभी कभी उनको खुद नहीं पता होता उसमें क्या मिक्स किया हुआ है। तो डॉक्टर साहब, ये जो अलग अलग तरीके का नशा लेते हैं तो इसका ट्रीटमेंट भी अलग तरीके का होता होगा, तो इनके साइड इफेक्ट्स किस तरीके के रहते हैं? मैम देखिए, अगर हम ओपिएट्स की बात करें तो सबसे जो प्रॉब्लम आ रही है हमें आजकल वो है जो लोग इंजेक्शन से नशा ले रहे हैं, और क्योंकि आजकल वो रिस्ट्रिक्ट हो रहा है, नशा का मिलना कम हो रहा है, तो सेम किक के लिए लोग अब वो कम डोज में इंजेक्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि सेम किक मिले उनको। तो जो आईवी यूज लेते हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हम लोग देखते हैं, जैसे कि आजकल हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, एचआईवी है, ये वो इन्फेक्शन हैं जो इंसान पहले खुद इसको कम्युनिकेबल है, इंसान से अगर एक बंदा है उसको वाइफ को होएगा, वाइफ से आगे होने वाली फ्यूचर जनरेशन को हो सकता है, तो इट स्टार्ट अफेक्टिंग दी होल कम्युनिटी, तो इन्फेक्शन डिजीज ऐसे हो जाती हैं। सेकेंड होता है कि ये लोग अगर इंजेक्शन लगा रहे हैं तो जिस नस में लगा रहे हैं उस नस की इन्फेक्शन हो सकती है, वहाँ पे कोई क्लॉट अगर हो गया, वो क्लॉट अगर ब्रेन में चला गया तो ब्रेन अटैक हो सकता है, अगर वो हार्ट में चला गया तो हार्ट अटैक हो सकता है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस और वो इन्फेक्शन ब्लड में जा रही है तो सारे बॉडी के सिस्टम धीरे धीरे इन्वॉल्व हो सकते हैं। लंग्स में चला गया, वहाँ पे एम्बुलेंस बन सकता है, वहाँ पे दिक्कत आ सकती है। तो ये तो हो गया जो लोग इंजेक्शन ले रहे हैं। इसके अलावा जो लोग पॉपी हस्क ले रहे हैं, जो ओपीएम ले रहे हैं, या जो सिंथेटिक हेरोइन स्निफ कर रहे हैं, उनमें प्रॉब्लम आती है कि वो उसके आदी हो जाते हैं। तो एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे इंसान को किक लेने की इतनी आदत पड़ जाती है नशे से कि फैमिली क्या है, काम पे जाना है, कोई और कमिटमेंट्स हैं, पर्सनल हैं, प्रोफेशनल हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं जाता, दुनियादारी से बिल्कुल ही अलग हो जाता है, सिर्फ एक नशे की तरफ ध्यान रहता है, तो उससे उनकी वर्क इफेक्ट होता है। सेकंड होता है कि वो लोग कोई और काम कर ही नहीं पाते, अगर कोई फिजिकल लेवल का काम करना है तो नशा लेगा तो काम हो पाएगा। और जो थर्ड प्रॉब्लम है आजकल हम बहुत रूटीनली देख रहे हैं कि वो सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स आने शुरू हो जाते हैं, इसके कारण परफॉर्मेंस इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, इसके कारण फैमिली डिस्टर्ब। डॉक्टर साहब, कुछ लोग अपनी सेक्स ड्राइव बढ़ाने के लिए अफीम का सेवन करते हैं तो क्या उसको फिर बाद में आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं? क्योंकि शुरू में उन लोगों को लगता है कि हम ये लेते हैं तो इससे हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। बिल्कुल सही, ओपीएम के बहुत लोगों का शुरू करने का रीज़न यही होता है कि वो अपनी सेक्स ड्राइव इंक्रीज करना चाहते हैं, लेकिन मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जो ये सेक्स ड्राइव इंक्रीज वाला जो ये इफेक्ट है ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, ये शायद इनिशियली शुरू के 3-6 मंथ्स,
उसके बाद उल्टा असर आना शुरू हो जाता है कि वो सेक्स ड्राइव डाउन होने लग जाती है, और इंसान जब तक नशा लेगा नहीं उसकी वो इच्छा जागेगी नहीं और उसकी परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए सिर्फ इनिशियली इफेक्ट पॉजिटिव होता है, बाद में इसके इफेक्ट सब नेगेटिव हैं। डॉक्टर निधि, जैसे लोग आपके पास आते हैं काउंसलिंग के लिए आते हैं या आप उनकी काउंसलिंग करते हैं, तो कई लोग होते हैं कि एक बार ही नशा नहीं छोड़ पाते, फिर वो दूसरी बार फिर आपके पास आते हैं, फिर वो नहीं छोड़ पाते हैं, फिर तीसरी बार आते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जो 4 या 5 बार आपके पास आए हैं। तो जो लोग बार बार आपके पास आते हैं, फिर आप उनकी काउंसलिंग किस तरीके से करते हैं ताकि वो अल्टीमेटली वो नशा छोड़ दें? हम हर बार उनके रिलैप्स के कारण देखते हैं कि रिलैप्स होने के कारण क्या है, क्या स्ट्रेसर है मेन, उनको रूल आउट करते हैं, फिर उनके लिए कोपिंग स्ट्रेटजीज बताते हैं उन्हें, उस हिसाब से वो फिर करते हैं। और हम ट्रीटमेंट लाइन भी चेंज करते हैं। इनिशियली जो फर्स्ट टाइम पेशेंट आया है उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी थोड़ी अलग होती है मेडिकली, और जो हमें लग रहा है कि पेशेंट क्रॉनिक रिलैप्सिंग है, जो बार बार रिलैप्स कर रहा है, उसकी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी हम लोग फिर हार्म रिडक्शन की तरफ जाते हैं कि मेडिकली उसको कुछ किक दे दें ताकि वो नशे की तरफ नहीं जाए, हार्मफुल चीज़ों की तरफ मर जाए। तो हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी भी चेंज होती है और काउंसलिंग स्ट्रेटजी भी चेंज होती हाँ, तो कुछ है आपके ऐसे पेशेंट्स जिनकी 3-4 बार काउंसलिंग हुई है, अल्टीमेटली उन्होंने नशा छोड़ दिया? बहुत सारे पेशेंट्स हैं ऐसे। मोस्टली मैम जो पेशेंट्स छोड़ते हैं दे गो थ्रू दिस होल साइकिल, रिलैप्स रिमिशन के बाद ही, मोस्टली 3 और 4 रिलैप्सेस के बाद ही एक अल्टीमेट स्टेज आती है जहाँ पे एक्चुअल मोटिवेशन लेवल फैमिली के और पेशेंट की आती है, जहाँ पे वो छोड़ते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि अगर कोई नशा करता है और वो पहली बारी में नहीं छोड़ पाता तो उसको कोशिश कभी बंद नहीं करनी चाहिए, दूसरी तीसरी चौथी बारी में अल्टीमेटली वो इस बुरी आदत को छोड़ सकता है। बिल्कुल सही। फैमिली सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट बहुत ज्यादा बहुत जरूरी जरूरी है। और वो शर्माए नहीं कि उन्होंने पहले नशा लिया है, पहले ट्रीटमेंट ले चुके हैं। वी आर देयर टू हेल्प एवरी टाइम। अगर हम सपोर्ट छोड़ देंगे तो हु इज गोइंग टू हेल्प दैट पर्सन? तो अगर वो सेकेंड टाइम थर्ड टाइम भी आ रहा है तो हमारी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी चेंज होती रहेगी लेकिन सपोर्ट कम नहीं होगा, एंड ये डॉक्टर्स की तरफ से भी इश्योरेंस होता है और ये इश्योरेंस हम फैमिली की तरफ से भी चाहते हैं। तो ये कि जो पेशेंट आपके पास आता है वो ऑनेस्टली अपनी पुरानी हिस्ट्री आपके साथ शेयर करे ताकि आपको ट्रीटमेंट करना आसान हो और उसको भी उस ट्रीटमेंट का पूरा फायदा मिल सके। बिल्कुल सही बात। और अगर किसी को लगता है कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो जाए तो वो भी हम पूरी कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी का आप दूसरे बंद किसी को किसी नहीं पेशेंट को बताते? नहीं। और अगर पेशेंट अकेला आ रहा है, फैमिली मेंबर साथ नहीं आ रहा, बाद में पूछने आ रहा है, तो हम तब भी डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि आप उससे उनकी क्या फैमिली बात को हुई। भी डिस्क्लोज नहीं अगर करते पेशेंट ये चाह रहा है कि फैमिली को ना पता लगे तो हम पहले तो कहते हैं कि फैमिली सपोर्ट अच्छी बात है, लेकिन फॉर वट एवर रीजन कुछ दिक्कत है या कुछ प्रॉब्लम कहीं लेवल से आ रही है, तो अगर पेशेंट कहता है कि नहीं डिस्क्लोज करना है एक्स वाई जेड बंदे को, तो वी टेक दैट इनटू कंसिडरेशन और हम नहीं डिस्क्लोज करते। जी, तो ये थे डॉक्टर हिमांशु सरीन और डॉक्टर निधि भनोट, जिन्होंने बताया कि आप कभी भी चाहे तो आप नशा छोड़ सकते हैं। अगर आपको विड्रॉल सिम्टम्स बार बार आते हैं और आप एक बारी में नहीं छोड़ पाते तो आप दूसरी बार ही डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन इसके जो साइड इफेक्ट्स है जिससे आपकी फैमिली लाइफ भी डिस्ट्रॉय होती है, साथ साथ आपके हेल्थ पे भी असर होता है, तो आप दोनों चीज़ों को बचा सकते हैं और आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।